बिहार विधानसभा में आज अफसरशाही का मसला उठा। आरजेडी विधायक ललित यादव ने सदन के अंदर इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि जिले में जो भी शिलान्यास होता है उसकी जानकारी स्थानीय विधायक को नहीं दी जाती। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष भी हाल ही में इसे लेकर सवाल उठा चुके हैं। प्रोजेक्ट बनता है न उसका उद्घाटन हुआ, सांसदों का नाम होगा तभी आपको प्रूफ मिलेगा। सदन में फिर गूंजा अफसरशाही का मुद्दा। आरजेडी विधायक ने लगाए गंभीर आरोप, शिलान्यास से रखा जाता है दूर। कहीं भी माननीय विधायक को सभी विभाग में करीब करीब प्रायः इग्नोर किया जाता है, शिलान्यास उद्घाटन में नहीं। माननीय मंत्री जी जांच करा लें इसका, कितने जगह शिलान्यास उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है, उस पर कार्रवाई हो। जी हाँ, यही आरोप बिहार के अधिकारियों पर लगा है। योजनाओं का शिलान्यास कर दिया जाता है और माननीय बेखबर रह जाते हैं। और ये शिकायत सिर्फ आरजेडी विधायक की नहीं है, बल्कि मंत्री और दूसरे विधायक भी मानते हैं कि अफसरशाही बिहार में हावी है। मैं भी जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन ऐसा तो मुझे नहीं कहीं मिला है। कई जगह हम माननीय मुख्यमंत्री जी के ग्राम सुधार कार्यक्रम में गए हैं, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं मिला। हाँ तो कहे तो कुछ कुछ लोग गड़बड़ है, तो उसके लिए जितने बच्चे होते हैं उसमें सब थोड़े तेज होता है, कुछ घुसखोर भी होता है ना। बिल्कुल, मैं अपने क्षेत्र की ही बात बताऊं तो मैंने एनएच 322 पे एपीएससी जो था उसको मैंने मॉडल हॉस्पिटल बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा। मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पत्र पे उन्होंने इनिशिएटिव लिया और आदेश दिया, लेकिन उसका काम शुरू हो गया मुझे पता नहीं। मैंने और वर्करों के द्वारा मुझे पता चला कि वहाँ काम शुरू हो गया। वैसे जेडीयू विधायक भी इस मसले पर खुलकर तो नहीं कहते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि अफसरों पर नकेल कसना उनकी सरकार को आता है। तो क्या सच में बिहार में अफसरशाही है या फिर कुछ एक अधिकारियों की वजह से ये मुद्दा बना हुआ है? देखिए, कहीं कहीं से ऐसा सुनने को आया है अफसरशाही है, कहीं कहीं होता भी है। तो ऐसे अफसर जो बेलगाम हो जाते हैं तो हमारी सरकार उस पर लगाम लगाना भी जानती है, और ये हुआ है बहुत बार, घटना घटा है कुछ कुछ कारण से, लेकिन लगाम लगाना भी हमारी सरकार जानती है। और ये प्रजातंत्र है, ऑफिसर्स को बेलगाम हमारी सरकार कभी नहीं होने देगी, आप निश्चिंत रहें। देखिए, इसमें दोनों बात है, कुछ को बुलाता है कुछ को नहीं बुलाता है। जो सीनियर लोग हैं उनको बुला लेता है, कई जो नए एमएलए हैं उनको छोड़ देता है, या पुराने लोग जिनसे प्रशासनिक अधिकारियों की अपनी नहीं बनती है उन लोगों की उपेक्षा करता है। बिहार में अधिकारी कितने हावी हैं इसकी बात तो खुद विधानसभा अध्यक्ष भी जानते हैं। खुद उनकी भी शिकायत रही है कि अधिकारी किसी भी माननीय की नहीं सुनते हैं, और अब सदन के अंदर ये सवाल उठा है। तो अब इंतजार कीजिए इस पर क्या जवाब सरकार देती है। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।